सिंधु नर रूप हरि गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की। मंचासीन वंदनीय साधु समाज उपस्थित, संवेद समादरणीय साधक वृंद, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्री सद्गुरु सप्ताह ध्यान साधना शिविर के तीसरे दिन के प्रथम चौथे दिन के प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हुए हैं। समय किस प्रकार से व्यतीत हो जाता है, व्यक्ति जब अपने जीवन में किसी महत्वपूर्ण कार्य को किसी दिन संपादित कर लेता है तो वो महत्वपूर्ण कार्य ही उन्हें वो दिन को और तिथि को स्मरण दिलाता है। हमें अपने जीवन में एक विचारणीय बातें अवश्य ही बार बार स्मरण में लाना चाहिए कि हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या करना है कार्य। और आप सभी जो इस महान ज्ञान यज्ञ में ध्यान में भाग ले रहे हैं, सत्संग और ध्यान में, ये गुरु महाराज की विशेष कृपा है आप सबके ऊपर। अन्य तो ध्यान और सत्संग कर पाना इतना आसान नहीं है। कई जन्मों का संस्कार है जो आप साधना में और ध्यान में बैठ लेते हैं, और ऐसे ही निरंतर भाग लेने वालों के जीवन में मृता मोहमय माता जातो बोधमय सुतः। अभी का जो पाठ हम लोगों ने सुना मैत्रेय उपनिषद से, और मैत्रेय उपनिषद में एक कथा आती है, उसी कथा के माध्यम से अध्यात्म का रहस्य उद्घाटन हुआ है। थोड़ा आवाज बड़ा है लड़का। कथा आती है, एक ब्राह्मण देवता थे और वे ब्राह्मण देवता बड़े उच्च कोटि के महापुरुष भी थे, पर उनकी महानता सब लोग नहीं जानते थे। वो गुदरी में लाल की तरह थे, जागतिक व्यवहार उतना उनका साफ और क्लियर नहीं होता था, उनको जगत से ज्यादा मतलब नहीं था, उनको ईश्वर से ज्यादा नाता था। वो दुनिया को प्रसन्न करने के चक्कर में नहीं रहते थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि यह मानव का तन जिसके लिए मिला है ईश्वर दर्शन के लिए, बस उसी से मतलब रखा जाए। इसलिए वे एकांत में एक स्थान में बैठे रहते थे ब्राह्मण देवता। और जब शुरुआती दौर उनकी थी तब तो समय से वे स्नान भी करते थे, संध्या वंदन भी करते थे, जो ब्राह्मणोचित कर्म होता था वो सब का ठीक ठीक निर्वहन करते थे। लेकिन बाद में जब उनकी साधना प्रगाढ़ हो गई, जब उनकी साधना पकी पगी, तो उनका सब नियम जो था, जो जागतिक नियम होते हैं, शौच का, स्नान का, संध्या वंदन का, सब नियम से अलग हो गए। सब नियम में बंद करके नहीं रहे,
उनकी पत्नी थी, बड़ी पति परायणा थी, ब्राह्मणी थी, पति परायणा थी। वो जब भी अड़ोस पड़ोस में जाए तो पड़ोसन कहती थी, कैसा आपका पति हो गया और पहले कैसे थे। पहले वो बड़ा नियम से चलते थे, उनका सब समय बंधा हुआ रहता था, कब कौन सा कर्म करना है, कब कौन सा व्यवहार करना है, सब उनके नियमावली बिल्कुल दुरुस्त थी। लेकिन इधर उनको क्या हो गया है, वो बिल्कुल ही दुनिया से अलग थलग हो गए, नियम निष्ठा से बिल्कुल बेखबर हो गए। अब आपके पति ऐसे हो गए, न तो समय से स्नान करते हैं, न तो संध्या वंदन करते हैं, न तो अतिथि सत्कार ही करते हैं, न तो बड़ों के सम्मान के लिए आगे बढ़ते हैं। आखिर आपके पति देव को हो क्या गया है, ऐसा फिर वो क्यों कर रहे हैं। उनकी पत्नी को भी परेशानी थी, पत्नी भी समझती थी कि ये बात तो सत कह रही है ये लोग, मेरे पतिदेव पहले जैसे थे, कितना स्वच्छ वस्त्र पहनते थे, कितना स्वच्छ वस्त्र पहनते थे, घर को, आंगन को, दरवाजा को कितना स्वच्छ साफ रखा करते थे पहले, अतिथि को देवता की तरह मानते थे, प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व ही स्नान कर लिया करते थे। लेकिन अब तो उनका सारा नियम ही बिगड़ गया, कहीं इसके मस्तिष्क में कुछ हो तो नहीं गया। बेचारी वो पत्नी भी परेशान रहती थी, जब पड़ोसन ने बहुत कहा तो पति के पास जाती और अपनी सारी समस्या वो सुनाती पति को, पतिदेव आप समय से जगिए, समय से उठिए और समय से स्नान वगैरह कीजिए, संध्या वंदन करिए, घर का सारा गृह कार्य जो होना चाहिए उसको आप करिए, अतिथि आते हैं, अभ्यागत आते हैं आपने यहाँ, उनका भी सेवा सत्कार होना चाहिए, दूसरा कोई करने वाला है नहीं, आप देखिए ना ये सब। पर वो मौन रहते थे, ब्राह्मण देवता कुछ बोलते नहीं थे, मानो वो कह रहे थे हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कितने पर्व बीत गए इनके, कितने त्योहार बीत गए, कितनी दीपावलियां बीत गई, कितने दुर्गा पूजा बीत गए, कितने छठ बीत गए, सब पर्व बीत गया, सब त्योहार बीत गया, कितने अतिथि आए और गए, पर उनको किसी से कोई मतलब नहीं रहा। दीपावली मनाना है तो मनाओ, देवी में तो भीतर में असली दीपावली मना रहा हूँ, दुर्गा पूजा करना है तुम करो देवी, मैं तो असली दुर्गा पूजा मना रहा हूँ, छठ पूजा करना है जाओ तुम ठंडी में जल में खड़ा होकर के सूर्य को अर्घ दो, ये तो जड़ सूर्य है, मैं तो असली सूर्य को अर्घ दे रहा हूँ, मैं तो असली छठ पूजा कर रहा हूँ। दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो गए, पत्नी परेशान रहने लग गई कि आखिर इनको हो क्या गया। यही बात है ना, जब साधक अपने भीतर की यात्रा करते और भीतर के कुछ पूंजी को पाते हैं और भीतर की पूंजी का प्रसाद जब उनको प्राप्त होता है, वो जब बहिर्गत होता है तो दुनिया का लोग कहता है कि ये पागल हो गया। अब दुनिया की दृष्टि में वो पागल हो जाते हैं और उनकी दृष्टि में ये सारी दुनिया पागल हो जाती है। और वास्तव में अपने स्वामी रामतीर्थ का नाम सुना होगा, स्वामी रामतीर्थ भी ऐसे ही थे, वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े लाहौर में, उसी के वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी हो गए। आप लोग को आश्चर्य लगेगा सुनकर, मात्र 28 वर्ष की अवस्था में उन्होंने पढ़ाई भी की, एमए की पढ़ाई, और उसी यूनिवर्सिटी में वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर भी बने और बड़े प्रतिष्ठित प्रोफेसर थे वो। यद्यपि गरीब थे, शुरुआती दौर उनकी गरीबी में बीती थी, लेकिन अपने मेधा के बल से, अपनी बुद्धि कौशल के बल से स्वामी रामतीर्थ ने उच्च पद पाया था। पद तो था ही, प्रतिष्ठा भी कम नहीं थी उनकी, लेकिन थोड़े ही दिन में सब को त्याग करके रिजाइन मार के स्वामी रामतीर्थ एक फकीर बन गए। लोगों ने कहा रहे यहाँ लोग सबके सब नौकरी के लिए तरसते हैं, कुछ पैसे मिले, कुछ रुपए मिले, मासिक वेतन मिले, इसके लिए यहाँ सबके सब परेशान है, पर ये कैसा व्यक्ति है, इतनी सहजता से उनको ये नौकरी मिली थी, सरकारी नौकरी मिली थी,
कितना अच्छा पद मिला था, कितनी इनकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन ये सबको लात मार करके सबको छोड़ करके ये देखो फकीर बन गया है। किसी ने कहा ये पागल हो गया है, तो स्वामी रामतीर्थ ने कहा हम पागल हो गए तो पागल ही अच्छे हैं, इस बिगड़े हुए मस्तिष्क में अमृत के गुच्छे हैं। हमें पागलपन का पता तुम्हें क्या, मुझे मेरी मस्ती वहां लेकर आई जहां मेरे अपने सिवा कुछ भी नहीं है, जहां मैं ही मैं हूं, जहां मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, मेरी मस्ती ने मुझे वहां ला करके खड़ा किया। दुनिया के लोग कहते हैं ऐसे लोग पागल है, पर ऐसे लोग कहते कि दुनिया के लोग पागल है। एक फकीर चले जा रहे थे साधु, उधर से गृहस्थ आ रहा था, तो गृहस्थ ने फकीर को प्रणाम किया, चरण छू करके प्रणाम किया, तो फकीर ने भी सर झुका करके गृहस्थ को प्रणाम किया। अब उसी बहाने वो कुछ संदेह देना चाह रहे थे फकीर, कुछ उपदेश देना चाहते थे फकीर। जब फकीर ने प्रणाम किया तो सदगृहस्थ ने कहा कि बाबा आपने क्यों प्रणाम किया, तो फकीर ने कहा कि पहले आपने प्रणाम किया, आपने क्यों प्रणाम किया। सदगृहस्थ कहते मैंने तो इसलिए प्रणाम किया क्योंकि आप एक फकीर है, त्यागी है, बैरागी है, महात्मा है, आप संग्रह परिग्रह से रहित है, आपको दुनिया की लौकिक पदार्थों से कोई ज्यादा खास आवश्यकता मतलब आपको नहीं है इसकी, इसलिए हमने त्यागी जान करके आपको प्रणाम किया। फकीर ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि मैंने भी तुमको प्रणाम किया त्यागी जान करके ही। वो कहते मैं कहां त्यागी, मैं तो मेरे साथ तो मेरे परिवार है, मेरा घर है, मकान है, दुकान है, सारे प्रपंचों के साथ में रहता हूँ बाबा, अपनों के साथ रहता हूँ, मेरे गांव में मेरे अपने बहुत है, अड़ोस पड़ोस में मेरे शत्रु भी है महाराज, सब है, सबके साथ में मैं रहता हूँ, मैं कैसा त्यागी हूँ। तब फकीर ने कहा कि वास्तव में तू बड़ा त्यागी और मैं छोटा त्यागी हूँ, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया। तो वो सदग्रस्त कहते वो कैसे बाबा। फकीर ने कहा अरे मैंने तो उसको छोड़ा है जो छूटने वाला है, मैंने तो उसको छोड़ा जो पहले अपना कभी था ही नहीं, ये धन ये दौलत ये पद ये प्रतिष्ठा ये मकान ये परिवार ये पुत्र ये प्रतिष्ठा, जन्म के पहले मेरा कोई नहीं था, जब मेरा जन्म नहीं था न तो मेरी कोई माँ थी, न तो कोई मेरे पिता थे, न कोई भाई बंधु सखा सहोदर थे, जन्म के पहले न तो अपना कोई निजी मकान था मेरा, न तो मेरी जमीने थी, कोई जायदाद था मेरा, कुछ भी नहीं था, जन्म लिया अब ये मिला, अब मर जाता तब फिर सब छूट जाता है, मरने के बाद भी कुछ नहीं रहता, बहुत धन होता तो धरती पर रहेगा, परिवार पत्नी होती तो शमशान तक जाती अथवा दरवाजे तक जाएगी पत्नी, सबको यही छूट जाएगा, पशु पशुशाला में बने रह जाता है, शरीर भी जाकर के चिता में जल करके या फिर धरती में गल करके दफन हो जाता है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता था। तो जो ये छूटने वाला था, छूटने वालों को हमने छोड़ा है, जिसको मैं नहीं छोड़ता तभी ये छूट जाता, मैंने तो उसको छोड़ा है, लेकिन तूने तो उसको छोड़ा है जो तेरा साथ कभी छोड़ता ही नहीं है। अरे तुमने तो उसको छोड़ा जो जन्म के पहले भी तुम्हारे साथ था, अभी भी तेरे साथ है, और जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देगा तभी जो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमने तो उनको त्याग दिया है, तुमने तो उसका त्याग कर दिया, अब बता बड़ा त्यागी तू कि बड़ा त्यागी मैं। अरे तुमने ईश्वर को छोड़ दिया है, मैंने संसार को छोड़ा है, आज तक संसार किसी का हुआ नहीं और ईश्वर ने तो आज तक किसी को छोड़ा नहीं, पर तुम कैसा नादान है, तुमने तो ईश्वर को छोड़ दिया है। श्री सतगुरु महाराज यही जान करके मैंने प्रणाम किया, वो संग्रस्त शरण के मारे उसका सर लज्जा से झुक गया। बात सत्य कहते कुटुम सगाती बीच में आद अंत में कोई, बीच मिला बीच ही गया सहजो संग न कोई। जो संग में रहने वाले नहीं है हम उनकी प्रसन्नता के लिए क्या नहीं करते हैं, उनको खुश करने के लिए हम क्या नहीं करते हैं, पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, पुत्र को प्रसन्न करने के लिए, नाती पोता को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति परमात्मा तक का त्याग कर देता है।
जितनी देर बैठ करके सत्संग ध्यान करेंगे, ईश्वर को मनाएंगे, उसका प्यार पाएंगे, उसका दुलार पाएंगे, उतनी देर वो समय को छोड़ करके बर्बाद करके नाती पोते के पीछे जो पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा उसमें अपना समय बर्बाद करता है। भक्त ऐसा कभी नहीं करता, भक्त ऐसा नहीं करता। वो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं तो वही करता हूं जो मानव तन प्राप्त करके करना चाहिए। उनकी पत्नी ने कहा कि पतिदेव ये कौन सा मानव का कर्म है कि समय से स्नान भी नहीं करे। आवाज ठीक करो जी, कहां गया माइक वाला, उसको बुलाओ। पतिदेव ये कौन सा मानव का कर्म है कि व्यक्ति अतिथि का भी सत्कार न करे। फोन करके बुलाना। ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी अब तक तो मैंने शरीर को नहलाया था, बहुत नहलाया शरीर को, पर शरीर को नहलाने के बाद भी न भीतर से काम गया, न क्रोध गया, न लोभ गया, न ईर्ष्या गई, न द्वेष गया, न मोह गया, खड़ विकार नहीं गया। देवी विषयों की मार खाता रहा, बहुत नहलाया तन को हमने, तन को नहलाते नहलाते बहुत समय बीत गया देवी, लेकिन अंतःकरण नहीं धुला। लेकिन अब मेरा अंतःकरण धुला है, अब मेरा मन निर्मल हुआ है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पाछे पाछे हरि फिर कहत कबीर कबीर। जिनका मन निर्मल हो जाता, जिनका अंतःकरण पवित्र हो जाता, तन गंदा भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और सुनो देवी, तुम संध्या वंदन की बात जहां तक करती हो ना, एक बात बताओ, यदि किसी के घर में छूतक लग जाए तो उस दिन कोई करता है संध्या वंदन? उस दिन कोई पूजा पाठ करता है? उस दिन कोई गायत्री की माला जपता है? उस दिन कोई गीता पाठ करता है, रामायण पाठ करता है? नहीं। क्यों? क्योंकि छूतक लगता है। और छूतक कब लगता है? या तो कोई मरे तब छूतक लगता है, या फिर किसी का जन्म हो तब छूतक लगता है। और देवी पता है मेरे यहाँ जन्म भी हो गया और मेरे यहाँ मृत्यु भी हो गई, दो दो छूतक लगा है, अब बता मैं कैसे संध्या वंदन करूं, कैसे करूं? अब पत्नी हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है पत्नी। पत्नी कहती कि किसका जन्म हो गया, कौन मर गया आपके यहाँ? कहा देवी मेरा एक पुत्र का जन्म हो गया और मेरी माँ मर गई। पत्नी कहती पागल हो गए, माँ तो वो बैठी है, देखिए वो सामने बैठी है माँ, और मैं ये रही आपकी पत्नी, कोई पुत्र हुआ ही नहीं है, और आप कैसे बोल रहे? मेरा तेरा मनवा कैसे एक होंगे, ये संसारी और साधक का मन ही कैसे हो सकता है? जो संसार नहीं रच पच रहा है, जो विषय विकारों नहीं रचे पचे है, जो मोह माया ममता में रचे पचे हुए है, जिनकी आसक्ति जिनका आकर्षण दुनिया के भोगों में ही लगा हुआ है, वो क्या समझे उनको जो भोगों को तुच्छ समझ करके, जो विषय को तुच्छ समझ करके निर्विषय की तरफ जो कदम बढ़ा दिया है, वो समझ नहीं रही है पत्नी। उनकी पत्नी कहती है पतिदेव आप कैसी बात करते हैं, ये रही मैं आपकी पत्नी, कोई पुत्र नहीं हुआ, और माता के मरने की बात आप करते, माता जी तो वो बैठी हुई है, आप कैसे कहते हैं कि मां मर गई पुत्र का जन्म हो गया? तब वो ब्राह्मण देवता जिनकी चित्त वृत्ति उच्च भाव भूमि पर है, वे कहते हैं अरे पगली मैं इस पुत्र की बात नहीं करता, मैं इस मां की बात नहीं करता, ये मां तो अब मिली है और छूट जाएगी, या तो मैं मां को छोड़ूंगा या तो मां मुझे छोड़ेगी, ये तो बहुत इस तरह की बहुत माएं मिली है, इस तरह का बहुत पुत्र मिला है, लेकिन एक वो माँ है, जैसे इस माँ से सूत का जन्म होता है, ऐसे एक माँ है जिससे सूल का जन्म होता है। वो कौन सी माँ है? पर ये रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी लिखे हैं, मो सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनित जही बहु सूला।
इस माँ से सूत का जन्म होता है, पुत्र का सूत का जन्म होता है, लेकिन एक मोहमयी माता है जिससे शूल का जन्म होता है। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते तिनित जही बड़ी सूला, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित मित छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजे सन्निपात दुखदाई। सन्निपात किसको कहते हैं? जब कफ बात और पित्त तीनों बराबर होता है तब टाइफाइड होता है। पता नहीं टाइफाइड और सन्निपात अलग अलग हो सकता है। सन्निपात से बड़ा दुख होता है, परी पीड़ा होती है, सबकी जड़ में लोड़ है। उस ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी मैं इस माँ की बात नहीं करता, ये माँ तो आदरणीय वंदनीय पूजनीय है, इस माँ से तो पुत्र का जन्म होता, पर एक ऐसी माँ है जिससे फजीहती होती है, एक ऐसी माँ है जिससे शूल का अर्थात दुख का, दैन्यता दारिद्र का जन्म होता है। अब वही है मोहमयी माता। उस ब्राह्मण देवता ने बहुत सुंदर कहा, सुना अपने पाठ में ये कहानी है, मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुत है, सुतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्या उपास में है। हे देवी मेरी मोहमयी माता मर गई, मोहमयी माता मर गई है और बोधमय पुत्र का जन्म हो गया है, ज्ञानमय पुत्र का जन्म हो गया है, ज्ञान रूपी संतान का जन्म हुआ। अब बताओ देवी ये दो दो छूतक हमारे घर में, अब बताओ हम कैसे गीता पाठ करें, अब बताओ हम कैसे माला फेरे। ये माला फेरना, ये गीता पाठ करना, ये तो तब तक था जब तक ये छूतक नहीं लगा था। देवी अब तो जो ज्ञान गीता में लिखा हुआ है ना, वो मेरे मस्तिष्क में ऐसे ही नाच रहा है। जो ज्ञान अन्य पोथी पुराणों में लिखा हुआ है, वो ज्ञान तो मेरी वृत्ति का अनुगामी हो गया है देवी। अब जो मैं कहता हूँ वही गीता है, जो मैं बोलता हूँ वही उपनिषद है देवी, और जो मैं कुछ करता हूँ वही पूजा है। मेरे कर्मा मेरी मेरा भ्रमण ही परमात्मा की परिक्रमा है। मैं जो खा पी लेता हूँ वही तो भोग लगाना है, ये स्थिति है देवी। पर ये कह हुआ जब मोह नाश हो गया, मोह सकल व्याधिन कर मिला। कबीर साहब कहते हैं मोह का शहर कहर नर नारी, मोह का शहर है ये संसार, मोह का शहर कहर नर नारी, दिल फाटक घनघोर और कुमति नायक, फाटक रोके पड़ी हो कठिन झिझोर, मुसाफिर जी हो को नियोर। हमें कैसे मुसाफिर है, हमें कैसे पथिक है जिसके गंतव्य का कुछ भी पता नहीं है, पर चल रहे हैं हम लोग, चले जा रहे हैं पर गंतव्य का पता ही नहीं, चले जा रहे हैं। और यदि कोई रास्ता दिखाता है महात्मा लोग, तो रास्ता को तैयार लोग नहीं करते, दिखाने वाले को बुद्ध समझते लोग, ये स्थिति है। और चले उधर जा रहे हैं जिधर कोई गंतव्य नहीं है, जिधर कोई लक्ष्य ही नहीं है, बस चले जाइए चले जाइए। पहले खूब पढ़िए लिखिए, खूब पढ़ते लिखते हैं, पहले पढ़ लिख करके बस लक्ष्य बन जाता है, नौकरी चाकरी करिए, नौकरी चाकरी कर लिए कुछ पैसे हो गया लक्ष्य बन जाता है, विवाह करिए, विवाह कर लिए फिर लक्ष्य बन जाता है, संतान उत्पन्न करिए, फिर संतान उत्पन्न कर लिए फिर लक्ष्य बन जाता है, संतान को पढ़ाइए लिखाइए, फिर संतान को पढ़ा लिखाते हैं फिर लक्ष्य बन जाता है उनका विवाह शादी करिए, फिर विवाह शादी कर लेते फिर लक्ष्य बन जाता है उनका नाती पोता पैदा करवाओ, फिर लक्ष्य बन जाता है वो नाती पोते को पढ़ाओ। ये चक्र कभी खत्म होने वाला है? इसका कोई लक्ष्य, इसका कोई गंतव्य है? और उसी के पीछे लोग रथ पथ सड़ रहे हैं। जो हमारा आज सही गंतव्य था, जिधर जाने के बाद हमारी दूरी तय होती, जिधर जाने के बाद हमारे कदम को कुछ राहत मिलती, कुछ हमें विश्राम मिलता, उधर तो हमने यात्रा करी नहीं, उधर तो हम बड़े नहीं, बड़े उधर जिधर कभी कदम खत्म होने वाला है ही नहीं,
चलते रहिए और करते करते 84 में जाइए, फिर 84 का चक्कर लगाते रहिए, ये परिक्रमा चलती रहते, कोई लक्ष्य नहीं है इधर, मुसाफिर जय हो को नहीं हो। वो ब्राह्मण देवता कहते देवी अब जो सबकी जड़ है ना मो, सबकी जड़ है मो, मो का मतलब क्या होता है, अज्ञान। मैंने कल कहा था ना, आपको याद होगा कल हमने सुनाया था, ये जो बंधन पड़ा हुआ है ना, जो दुखद है, जो कष्टकर है, जो पीड़ा देने वाला बंधन है, वो क्या है, झूठ है। जल चेतन ही ग्रंथि ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन है, जल चेतन की, हम चेतन है, शरीर संसार जड़ है, जड़ और चेतन की ग्रंथि पड़ गई है। पहला बंधन पड़ा देह का, पहला देह का बंधन पड़ गया है, शरीर का बंधन पहले पड़ गया है। अब जैसे बंधन पड़ा तो शरीर से मोह हो जाता है, आसक्ति हो गई, शरीर से आसक्ति हो गई। अब इसके पीछे कितना पड़े रहते हैं कहिए, शरीर के पीछे हम लोग कितना पड़े हुए हैं, अगर इतना भी जितना ये देह के पीछे पड़े हुए हैं, आप पीछे पड़े क्या लोग कितने, तो ऐसे कि शरीर को ही मैं समझ लेते हैं। और संत कहते हैं इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है, है पाप जितने जगत में सभी पापों का ये बाप है। जो शरीर को मैं मान करके चलता है, जो इसको मैं मान लेता है, वो दुनिया का सब पाप करने के लिए तैयार रहता है। आवाज ठीक करो ना, नहीं कर पाता, झूठो कलिया बैठा हुआ। शरीर को मैं समझ लेते, इसी को खिलाओ पिलाओ, इसी के लिए अच्छा मकान बनाओ, इसी के लिए अच्छा वस्त्र पहनो, इसी को खिलाने पिलाने के लिए अच्छे अन्न की व्यवस्था करो, भविष्य में इसकी कोई आधी व्याधि रोग ना हो जाए शरीर में, इसके लिए बैंक बैलेंस करो, शरीर घुमा फिरा करके केंद्र बिंदु हमारा शरीर हो जाता है। फिर इस शरीर को ऐसो आराम से रखने के लिए परिवार बढ़ाओ, पत्नी बनाओ, विवाह करो, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर क्रिया जान, तीसरे बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती। अच्छा एक बात बताइए, बोल रहा बुलाने नहीं सुन रहा है, प्रवचन हम बंद कर देंगे, इस तरह आवाज रहेगा तो कल भी हम इसे देख कर देंगे। श्री सदगुरु तो कितना बार बार बीच में डिस्टर्ब होता है, माइक वाला को हमेशा बोले यहाँ बैठे रहने के लिए। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर क्रिया जान, और तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। अब विचार कीजिए, इतिहास खूब पढ़ते, 1,25,000 नाती तारा वनगर दिया न बाती, ये भी पढ़ते हैं और उनके नाम पर खूब सब कुछ जानते, इतिहास भी पढ़ते हैं। जब 1,25,000 नाती तारा वनगर दिया न बाती, तो आपके घर में कौन दिया जलाएगा, 2-4 वो है तो फिर आप 1,00,000 प्लस कीजिए तब ना होगा। ये स्थिति हम लोग की, ये सबकी स्थिति है, तो हम लोग कहां है अभी, इस संसार में। संसार का हेतु क्या है, शंकराचार्य जी महाराज एक जगह कहते हैं, मोह संसार हेतु। हम जो इस संसार में है मोह के कारण है। मोह मतलब क्या होता है, अज्ञानता है। ऋषि क्या कह रहे हैं, अपनी धर्म पत्नी को क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, कि मृता मोहमयी माता, मोहमयी माता मर गई, सूतक लगा है। अब पहला सूतक क्या है, मृता मोहमयी माता,
मोहमयी माता मर गई। और जिसकी मोहमयी माता मर गई तो संसार का हेतु मर गया, कारण मरा। तो जातः बोधमय सुतः तो स्वाभाविक हो जाएगा, ज्ञानमय पुत्र होगा। तो मोह को ऋषि ब्राह्मण देवता माता कह रहे हैं। हम लोगों का जन्म कहां से होता है? माता के गर्भ से। इसीलिए मोह को माता कहा, जहां से हम इस संसार में आते हैं। और किस लिए आते हैं संसार में? हम लोग दुख भोगने आते हैं, कष्ट भोगने आते हैं। तो मोह को मां कह रहे हैं ऋषि, जन्म देने वाली मां संसार में। और जन्म हुआ तो दैहिक दैविक भौतिक ताप आया, तो दुख की जननी कौन है? मोह। दुख की जननी है मोह, दुखों की जननी। मोह सकल व्याधि कर मूला, अति ते पुनीप जहि बहु सूला। मोह सारे दुखों के मूल में है, जन्म सबके मूल में। जन्म ही नहीं हो तो दैहिक दैविक भौतिक ताप किसको होगा? तो सब दुख के मूल में क्या है? मोह होता है। ऋषि माता कहते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? मोह को सब दुख का मूल कहते हैं। और साथ ही साथ मोह के संबंध में और क्या कहते हैं? मोह निशा सब सोवनिहारा। मोह रात्रि के समान है। रात्रि भय लगता है ना रात्रि में लोगों को? भूत का भय कब लगता है? भूत का भय दिन में कि रात में? रात में। सांप का भय कब लगेगा? अंधेरे में। रात्रि मतलब अंधकार, अंधेरा, अज्ञानता। तो कहते हैं मोह जो है ना रात्रि है, ये भय उत्पन्न करता है। मोह रात्रि में भय लगता है कि नहीं? तो भगवान बुद्ध ने मोह से शोक, मोह को शोक और भय उत्पन्न करने वाला कहा। और महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा है, को मोहात मृत्यु प्रपद्यते, मोह ही मृत्यु का कारण है। मृत्यु जब होगा तो पुनर्जन्म होगा। ईश्वर अमरता के कारण है, जहां से पुनर्जन्म नहीं होगा। और मोह मृत्यु के मुंह में भेजेगा, जहां से जन्म और मरण होगा। अब मोह है कैसा? अपने से निकलना चाहिएगा, निकल ही नहीं पाइएगा, निकल ही नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा देह मोह कलिलम। मोह जो है दलदल है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मोह एक दलदल है। दलदल से जितना आप निकलना चाहिएगा ना, उतना धसते जाइएगा। निकलने के टेक्निक होती है दलदल से। क्या दलदल में कोई खड़ा नहीं चल सकता? दलदल में लेट करके चला जाता है। युक्ति जानेंगे तभी ना, नहीं तो आप धसते जाएंगे। और इसलिए लोग कहते हैं, क्या करें बाबा, माधव मोह प्यास के टूटे।
तुलसीदास जी कहते हैं मोह फांस बंधन है, मोह फांस है, फांस बंधन है मोह। सूरदास जी कहते हैं पगल इत उत धरत पावत ऊंचे मोह सेवार। पानी में चलिएगा ना, जब जो ठहरा हुआ पानी तालाब का बहुत वर्ष का जो होता है उसके नीचे सेवार जम जाता है, उगाता है। और सेवार में जब आप आगे बढ़िएगा ना तो क्या होता है उसमें, वो सेवार पेड़ को बांध लेता है। जब पेड़ को बांध लेगा तो आप तैर नहीं पाइएगा क्योंकि पेड़ बंध गया तो उसमें उलझ गए आप, तो क्या होगा आप डूब के मर जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये मोह की रात्रि, मोह निशा, मोह रूपी माता कितनी खतरनाक है। सब दुख के मूल में जन्म और मरण का हेतु है ये मोह, मृता मोहमयी माता। मोक्ष होगा कब, जब मोहमयी माता से हम मुक्त हो जाएंगे या मोहमयी माता मर जाएगी। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, भगवान कपिल मुनि ने कहा कि ये मोह होता क्यों है। कारण भगवान महावीर ने कहा कारणम परिजानिया तू चट्टा, पहले कारण को जान लीजिए तब उसको निवारण में आसानी हो जाएगी। अब डॉक्टर जांच करके रोग का कारण पकड़ लेता है ना रोगी का, तब एकदम सही दवा लिखता है, इलाज हो जाता है, हम क्योर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो भगवान महावीर कहते हैं तुम्हारे जीवन में दुख है उसका कारण क्या है। रस्किन ने लिखा, रस्किन एक पश्चिम में दार्शनिक हुए, उन्होंने लिखा कि लाइफ इज इट सेल्फ और माइजरी, जीवन अपने आप में दुख है, जीवन अपने आप में दुख है। तो कोई पूछा होगा उनसे कि जब जीवन अपने आप में दुख है तो मृत्यु अपने आप में सुख है, सुख है। तो किसी ने कहा कि इसका क्या मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि आत्महत्या कर लीजिएगा तो और दुख में चले जाइएगा। तो रस्किन ने कहा लाइफ, जो मैं कह रहा हूं कि जीवन अपने आप में दुख है, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि मर जाओ तो सुख हो जाएगा। तो फिर सुख कैसे है, तो कहा कि जीवन में दुख का कारण ये है, फैसिनेशन, मोह, आसक्ति, दुख का कारण ये मोह। तो सुख कैसे होगा, तो ओनली अ लाइफ विदाउट फैसिनेशन कैन बी हैप्पी। केवल वही जीवन सुखमय होगा जो मोह मुक्त होगा। अब मोह आता कहां से, मोह मुक्त होगा लेकिन मोह आता कहां से, तब न छूटिएगा। तो कपिल मुनि ने उसका जवाब दिया सांख्य दर्शन में, वो कहते हैं अज्ञानता से अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवः। हमारा जो ज्ञान है वह अज्ञान से ढका हुआ है और इसीलिए जीव मोहित होता है, मोह में फंसता है। तो अज्ञानता मोह का कारण है, अज्ञान
मोह से मुक्ति है। अज्ञानता किसको कहते हैं? तो कहा स्वस्वरूप विस्मृति, अपने स्वरूप को भूल जाना ही अज्ञानता है। स्वरूप विस्मृति हुई, देहाभिमान सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। हम कौन है? चेतन आत्मा है। अपने को क्या मानते हैं? मैं मतलब शरीर। शरीर में हम लोग है ना अभी। चेतन आत्मा से हमारा परिचय नहीं है। है परिचय? अपने स्वरूप को हम नहीं जानते। जब हम स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, न त्वे देहं न त्वे देहो। महाराजा जनक को कहते हैं कौन? अष्टावक्र मुनि। अष्टावक्र मुनि कहते हैं न तुम देह हो न देह तुम्हारा, केवल यह मोह का बंधन है। कितना कठिन बंधन है आप सुने ना। गुरु महाराज कहते थे कि बहुत नामी बदमाश था, जेल में बंद था, जिस जेल में रहता था जेल तोड़ के भाग जाता था, तो बेड़ी हट कर रखे हुए थे। मिस्किनिया नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान था। राजा को कहा कि कोई तुम्हारे राज में हमसे लड़े, तो कोई डर से नहीं लड़ता था, क्योंकि जो उससे लड़ता था उसको जान ही मार देता था या देह हाथ की हड्डी तोड़ देता था। तो राजा ने कहा केवल इससे कोई लड़ ले ना, तो हम उसको मुंह मांगा धन देंगे। इतना धन देंगे कि वो मर भी गया तो परिवार की साथ के लिए दुखी नहीं होगी। तो जेल में बंद कैदी तैयार हो गया वो बदमाश जो था कि हम लड़ेंगे। राजा गए कि चलो चलो इज्जत बचेगी, लड़ोगे तो हार जाओगे, तो हार जाओगे इज्जत तो, ताकि हारेंगे भी लड़ेंगे भी और पटकेंगे भी पछाड़ेंगे भी। तो क्या करें? तो बहुत दिन से बंद था ना, तो बेड़ी हटकड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, तो कहा कि इसको काट दो बेड़ी हट, कहा कि जब काटना ही है तो मैं तोड़ देता हूं। एक झटके में बेड़ी को तोड़ दिया, हथकड़ी को तोड़ दिया। तो राजा ने कहा रे मैं तो सोचा बेड़ी और हथकड़ी के कारण तू जेल में बंद है, भागा क्यों नहीं तब? जब तोड़ सकता था तो। कहा कि इस बार आप जेल में बंद करते समय हमको क्या बोले थे पता है? कि अगर तुम जेल से भाग गया तो तुम तो भाग जाओगे, लेकिन इस बार हम तुम्हारे बीवी बच्चों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो बीवी बच्चों को आप जेल में न डाल दें इसलिए मैं नहीं भागा, वरना इन हथकड़ियों बेड़ियों को तो कब को तोड़ देता मैं। तो राजा ने कहा वाह, लोहे की जंजीर को तोड़ना आसान है लेकिन मोह के जंजीर को तोड़ना आसान नहीं है। देह का जब तक भाव है मैं और मोह तोड़ते माया, जब देह का भाव आता है, कपिल मुनि कह रहे हैं कि जब चेतन आत्मा शरीर में आसक्त हो जाता है और अपने स्वरूप को भूल करके देह को ही मैं मान लेता है, देह के ही मान अपमान सुख दुख को अपना मान अपमान सुख दुख मानता है, तो उसमें सारे विकृति और विकार आ जाते हैं। देहाभिमान सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति, सारा दुख दोष उसके अंदर आ जाता है। तो क्या करें? मोह से मुक्त होना है तो बोधात्मा चिद्रूपोसु बोधात्मा दिविकारो सुखी चरह। हे राजन, तुम चिदानंदमय स्वरूप हो, आत्मा हो तुम ज्ञानमय, निर्विकारी हो तुम, अष्टावक्र मुनि कह रहे अविनाशी हो तुम, ऐसी भाव दशा को प्राप्त करो और
संपूर्ण संसार में सुखी हो जाओ, संसार में सुखी होकर विचरण करो, जहां जाओ सुखी रहोगे। तुम देह नहीं हो, तुम मोह जो है अपने स्वरूप का विस्मरण है। मोह ये सारे दुख का कारण मोह है। इससे छूटना है तो क्या करो, बोधमय पुत्र को जन्म देना होगा, ज्ञानमय पुत्र को जन्म देना होगा। और ज्ञानमय पुत्र ये है स्वरूप स्मृति, सम्यक संबोधि, भगवान बुद्ध ने कहा। और गुरुजेब हुए थे एक दार्शनिक, उन्होंने कहा सेल्फ रिमेम्बरेंस इज द ओनली वे ऑफ गेटिंग रीड फ्रॉम ऑल द माइजरीज, बर्थ एंड डेथ, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। आप ज्ञान ही जन्म मरण और सारे दुख से मुक्ति का कारण है, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान हो, बुद्ध में पुत्र का जन्म होना मतलब ज्ञान का उत्पत्ति होना, अपने स्वरूप को जान लेना। जब तक स्वरूप बोध नहीं तब तक जन्म और मरण, स्वर्ग और नरक, पाप और पुण्य, ये चलता रहेगा। महापुरुषों ने इसी बात को समझाया और कहा कि मोक्ष का कारण है आत्मज्ञान, ईश्वर स्वरूप की पहचान। ऋषि कहते हैं, ब्राह्मण देवता कहते हैं, ये अवस्था कैसे आई, अपने आ गया। तद विज्ञाने गुरु मेवाधिगछेत समिप्तानि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। मंडकोपनिषद के ऋषि ने कहा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म निष्ठा जिनकी स्थिर हो गई है, ऐसे संत सदगुरु के पास जाकर के प्रणिपात होकर के सेवा करिए, अन्य विनय कीजिए, उनकी कृपा होगी, तब वो आपको इसका ज्ञान देंगे। गुरु दयाल दया कर दिए ढेर, बताई महाभागी जीव के दिए भाग जगाई। सब जगह भुलारे भाई मेरे सतगुरु जुगत लखाई। कबीर साहब कहते सारा संसार भुला हुआ है, सब जग भुलारे रे भाई, संसार पूरा भुला हुआ है। सदगुरु मिलते हैं तो ये ज्ञान देते हैं, सदगुरु मिलते हैं तो ज्ञान देते। गुरु ज्ञानांजन सब चिन्हित्र पाया, अंतरिचानना अज्ञान अंधेर गवाया। अंतरिचानना मतलब आंतरिक प्रकाश हो गया, अज्ञानता की रात्रि का नाश हो गया, मोह का नाश हुआ। ऋषि की यही अवस्था ब्राह्मण देवता की, हृदयाकाशे छिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदेति कथम संध्यामुपासमे। ये जो अवस्था है ना, ये जब तक अपने अंदर में अंधकार है ये मोह छूटता नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं ना, भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नामा हो, लेकिन तन धन धारा सपन है सारा, अंत न आवे कामा हो, ये सब स्वप्न है। गुरु महाराज कहते हैं स्वप्न क्या है, अज्ञानता है, काम नहीं आएंगे, लेकिन घट में तेरे घोड़ा अंधेरा सोई भवन का जमाओ। आपके अंदर में घोर अंधकार है और इस अंधकार के कारण ये मोह छूटता नहीं है। ये स्वप्न में आ सकते हैं आप, लेकिन स्वप्नों का स्वभाव यह है टूटेगा। स्वप्न कितनों अच्छा देखिए आप, लेकिन टूटेगा। एक दिन हम सब स्वप्न देख रहे थे, बहुत बढ़िया स्वप्न। स्वप्न क्या था पता है, मैं विदेश में घूम रहा हूं और बहुत सारा सत्संग ध्यान हो रहा है, कहीं कहीं मां सत्संग में घूम रहे, मतलब अनेक
जगह हम घूम रहे हैं, हवाई जहाज में घूम रहे हैं और खुश खूब हो रहे हैं भीतर भीतर कि हाँ देखो मैं सब जगह घूम रहा हूं, गुरु महाराज की कृपा देखो। कितनी देर खुशी रही पता है? जब तक नींद नहीं खुली। हम उधर सपना देख रहे हैं कि घूम रहे हैं और पीछे से एक आदमी उठाता है, भोजन नहीं कीजिएगा बाबा, उठिए उठिए, आंख खुल गई है। बोले हर तरीका, हम तो यहीं पड़े हुए हैं, उड़ रहे थे हवाई जहाज। तो इस सपना जो है कितने अच्छा आप देखिए, ये टूटेगा क्योंकि स्वप्न मतलब कुछ जगने के पहले और सोने के बाद एक ऐसी अवस्था जो कुछ काल के लिए होता है। वैसे ही संसार है, संपूर्ण सुख की स्थिति आपकी जीवन में हो, सब कुछ अनुकूल हो, पर आसक्त मत होइए क्योंकि स्वप्न है, टूटेगा छूटेगा। जागिए, जागने के लिए क्या करना है, इस मोह से ऊपर उठना होगा। मोह से अंधकार में रह के कोई ऊपर उठ नहीं सकता। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर जियारी छोड़ चलो नौ द्वार। लाख उपाय कीजिए, अंधकार में रहिएगा तो ज्ञान कुछ देर टिकेगा, कुछ देर, और परिस्थिति जब आएगी ना तो फिसल जाइएगा, फिसल जाइएगा अंधकार में रहने के कारण। तो अंतर जानना है, अंत प्रकाश हो हमारी साधना इसीलिए होती है, ध्यान इसीलिए ना होता है। सत्संग कीजिए, मन मिलेगा, बार बार प्रकाश की महिमा सुनिएगा, शब्द की महिमा सुनिएगा, आत्मज्ञान की महिमा सुनिएगा, ईश्वर की महिमा सुनिएगा, स्वाभाविक है ना मन अंतर्मुखी होगा। शब्द में गुण होता है ना, शब्द में गुण होता है, आपके मन पर प्रभाव डालेगा, जैसा शब्द सुनिएगा वैसा भाव आएगा, विचार आएगा। इसलिए कहा कि बाहरी सत्संग उसी को कहते हैं जो अंतर सत्संग की प्रेरणा करता है। अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, इसलिए अपने घट दिया ना दारू दे, अपने अंदर में दिया जलाइए। पूज्यपाद महर्षि संत श्री परम जी महाराज कहते थे, जब बाहर दिया जलता है ना दिवाली का, तो सुबह उठ के देखिएगा ना कितना कीट पतंग उसके इर्द गिर्द जल करके मरा हुआ। उसी तरह जब अंतः प्रकाश होता है तो हार इस सुलभ समुदाय, राम भगत चिंतामणि सुंदर बसे गरुर जाके निरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कुछ चाहिए दिया गृत बाकी, मोह दरिद्र निकट नहीं आगा। क्या कह रहे हैं, मोह रूपी दरिद्रता निकट नहीं आती, ये मोह रूपी माता जानता बालक को नहीं छीनेगी। गुरु महाराज ने टीका में लिखा है, नवधा भक्ति की छठी भक्ति, छठदमशील विरति बहु करना निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति दृष्टि योग की साधना करके साधक जब एक बिंदुता की जब प्राप्ति करता है साधक, तो सहस कमल दल के विभिन्न ज्योतियों का पूर्ण चंद्रमा का दर्शन करता हुआ जब वह त्रिकुटी के केंद्र में पहुंचता है तो वहां उसको पूर्ण सूर्य का दर्शन होता है। वही ये चेतन नई सूर्य है जिसके हृदय में आ गया तो जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रणय दिनेशा, पूरी प्रकाश रहित हिलों का। अब अंधकार आएगा ही नहीं, अज्ञानता आएगी नहीं, मोह होगा ही नहीं। बहुतन सुख बहुतन मन सुख का, जिन्हें सुख तो कहो बखानी, प्रथम अविद्या निशा नशानी। अविद्या मोह, मोह रूपी रात्रि, अविद्या की रात्रि, अज्ञानता की रात्रि का नाश हो गया।
तो इस तरह से जिनकी स्थिति हो जाएगी वो हमेशा ज्ञान में ही रहेगा। उसके आगे भी है परमात्मा है, थोड़ा और आगे है, लेकिन उस अवस्था में चले जाने के बाद रात्रि के प्रकाश में उल्लू को उड़ते आप देखे होंगे, चंद्रमा के प्रकाश में देखे होंगे आप, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उल्लू को नहीं देखेंगे आप। उसी तरह जिसको सूर्य दर्शन हो गया ना अपने अंदर में, उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? अब उलुक जाता है लुकाने, पाप रूपी उल्लू अब उसको स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसीलिए शुरू शुरू में साधन जो होता है ना, थोड़ा कुछ अंदर का प्रकाश दिखता है ना, रात्रि भाग वाला प्रकाश, तो रिद्धि सिद्धि आ जाती है उनको। और रिद्धि सिद्धि आ जाती है तो लोग चमत्कार दिखाने लग जाते हैं। तो फिर कबीर साहब कहते हैं, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया हो, कहां पर गंगा जमुना में बीच रेतवा माली बाग लगाया हो। गंगा जमुना इरा तिरला के मध्य में रेत समेत ना बालू का कण बिंदु पर दृष्टि टिकाया जो योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमकेल गंगर झोंकी तसी धासो में धसित धुन सुन पाओ ना। दृष्टि की केवल धारों को जब एक बिंदुता पर केंद्रित करते हैं ना, सुषुम्ना में केंद्रित करते हैं, एक बिंदुता की प्राप्ति जब होती है तो अंत प्रकाश का दर्शन होता है। उस दर्शन में सिद्धियां आ जाती है। अरिधि सिद्धि प्रेरे बहुभाई बुद्धि लोग देखा गई आई हो जो बुद्धि परम से आने तिंत चितब अनहित जाने। तो हमें सतर्क रहना है और सावधान रहना है और भीतर की साधना में शिथिलता नहीं लानी है। उस ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी अब सब लौकिक व्यवहारों से मैं ऊपर उठ चुका हूं, अब ये गीता का ज्ञान तो मेरे मस्तिष्क का अनुकरण कर रहा है, ये उपनिषद का ज्ञान तो मेरे अनुभव का अनुकरण कर रहा है, ये दुनिया का सब कर्म बस जो मैं कर दूंगा वही कर्तव्य निष्ठ हो जाएगा। मृता मोह मई माता जातो बोध मय सुत सुतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्या उपासम है। अब ब्राह्मणी प्रश्न करती है, सुनिए ना बड़ा ध्यान से सुनिए। ब्राह्मणी कोई साधारण नहीं थी, ब्राह्मणी इतने बड़े तपस्वी जो होंगे उनकी पत्नी भी तो कुछ होगी, उनकी पत्नी कोई साधारण नहीं थी। वो ब्राह्मणी कहती है, ये मोह को खत्म करने में कितने कितने ऋषि मुनि लोग महात्मा लोग रच पच गए, खत्म नहीं कर पाए, खुद सर गल करके खुद सब खत्म करके चले गए संसार से, मोह मिटा नहीं, और आप यहां बैठे बैठे मोह को खत्म कर दिए। आप कैसे खत्म कर दिए? कितने व्यक्ति रट रट करके थक गए फिर गीता का ज्ञान उतरा नहीं। आपका तो मेरे अनुभव का गीता ज्ञान पीछा कर रहा है, ये कैसे संभव है? कितने पढ़ने वाले कितने रट्टू मल रट रट करके दुनिया से विदा हो गए पर गीता का अनुकरण उतार नहीं सके। एक व्यक्ति गया किसी के पास, किसी महात्मा के पास गया, कहा कि बाबा हमको ज्ञान चाहिए, हमको पुस्तकी ज्ञान चाहिए, किताबी ज्ञान चाहिए। कहा ठीक है हो जाएगा ज्ञान, क्या करें बाबा? तो बाबा ने कहा किताब को घोल के पी जाओ। अब कहते हैं ना 12 वर्ष रहे साधु के टोल तब समझे एक बूंद, और साधु ने कहा किताब घोल के पी जाओ तो वो समझा नहीं, और वो क्या किया घर गया और जितनी किताबें उसके पास थी सबको बाल्टी में फोड़ने दे दिया सामने, सुबह तक मैं सब फूल गया और सवेरे सब मत करके मिश्री मिला करके गटक गटक करके पी गया। आ गया महात्मा जी के पास, बाबा ज्ञान कहाँ हुआ? आपने कहा था पुस्तक घोल के पी जाओ तो मैं तो पी गया, पर ज्ञान तो वाले उल्टे पेट खराब हो गया, दस्त पर दस्त हो रहा है। कहा दस्त तो आएगा ही, कबीर का गाया गावे तो गजब का धक्का खावे, कबीर का गाया बूझे तो तीनों लोक सूझे। 12 वर्ष रहे साधु के टोल पर समझे एक बोल, खर की भाषा खड़ी जाने तूने मेरी बात को समझा नहीं।
विवेकानंद जी महाराज कहते थे, उसे किसी ने पूछा इतना ज्ञान आपको कैसे हो गया, और आप जानते हैं विवेकानंद जी के लिए उनको विदेशों में लोग कहते थे कि विद्या के परे का विद्वान है, कहते थे स्वामी राम विवेकानंद जी महाराज के लिए। तो पूछा इतना ज्ञान आपको कैसे मिला, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा तुम्हारा मस्तिष्क ही अछोर पुस्तकालय है, तुम्हारा जो मस्तिष्क है यह अछोर पुस्तकालय है, इसलिए रीड योर माइंड, अपने मस्तिष्क को पढ़ो, अपने मस्तिष्क का अध्ययन करो, उसको पढ़ो गढ़ो, अछोर पुस्तकालय है। कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे गढ़ेंगे इसको, ब्राह्मणी कहती है। ये ज्ञान आपको कैसे हो गया, आप कहते हैं सब ज्ञान मेरा अनुकरण कर रहा है, आपको ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म हो गया है, मोह रूपी माता की रूपी मर गई, जिस मोह से पूछा स्वर्ण बड़े बड़े परेशान है, कैसे आखिर ये घटना कैसे आपके भीतर घटित हो गई। अब वो ब्राह्मण देवता कहते हैं देवी मेरे साथ कुछ हुआ है, क्या हुआ है। ब्राह्मण देवता कहते हैं हृदय काशी चिदादित्य सदा भासति भासति नास्त मेति न च उदेति कथम संध्या उपासमहे। हे देवी मेरे हृदय रूपी आकाश में चैतन्य रूपी सूर्य उग गया, इसीलिए मोह का नाश हो गया। इसका मतलब ये हुआ जब तक अपने भीतर सूर्य का प्रकाश न हो तब तक मोह नष्ट नहीं होता। अच्छा आपने कभी भरत का नाम सुना, भरत भरत सुन के जाते हैं, अब भारत से चले गए नेपाल, भरत नेपाल गए हैं, और नेपाल में गंडकी नदी का किनारा, और वहीं पर पुलह ऋषि का आश्रम के पास रहते हैं, वहीं पर सत्संग कथा सुनते हैं और प्रातः काल जब उठ करके मंत्र का जप करते हैं, लेकिन अभी तक पुलह ऋषि से वो दीक्षा भी नहीं लिए, रहते हैं पर दीक्षा नहीं लिए, बस दीक्षा लेने की योजना बन रही है। उतने में एक दिन मृगा का बच्चा मिला और मृगा के बच्चे को अपने कुटी में लाया, उसको साफ सफाई करके पाल पोस करके उसको बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद उसमें इतना मोह हो गया कि अब भजन करने का जप करने का समय है अब वो मृगा को खिला रहा है, ध्यान करने का समय है अब वो मृगा से खेल रहा है, अब ध्यान करने का समय है मृगा के कई दूर चला गया, आसपास में दिख नहीं रहा है तो ध्यान करना छोड़ करके मृगा को ढूंढने निकल गया है, या फिर ध्यान करने का समय ध्यान पर बैठे जैसे मृगा का बच्चा आता है और अपना शरीर उसके शरीर में रगड़ने घसन करने लग जाता है, यही रूट करके उसको सहलाने लग जाता है। समझिए सार्वभौम सम्राट जो सब कुछ छोड़ा, सब कुछ त्याग किया, अपनों का जिन्होंने त्याग किया है सबको छोड़ दिया, आज क्या स्थिति है, उनका मोह उस मृगा के बच्चा में हो गया। अब छोड़ा बहुत कुछ है, ये ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हैं, देवी मेरा मोह ऐसे खत्म नहीं हुआ, ये मोह को खत्म करना ये साधारण बात नहीं है, ये मोह, और आप पढ़िएगा ना रामायण तो मोह दस मौली, रावण की संज्ञा मोह से दी गई है, रावण कोई पछाड़ सका था रावण को बताइए तो, कोई पछाड़ सका रावण को, रावण ने इंद्र को कैद में किया, रावण ने शनिश्चर देवता को कैद में किया, रावण ने 3300 करोड़ देवी देवता को कैद में किया, पता है ना, तो उसके सामने टिकने वाला नहीं था, राम रावण का युद्ध विभीषण नहीं होता ना तो भगवान भी इधर परेशान हो गए, भगवान ने देखा अरे ये रावण पर मेरा बस चल नहीं रहा, ये रावण तो शक्तिशाली बनता चला जा रहा है, तब विभीषण जी ने भेद बताया, तब भगवान ने उसका बल किया, यही है मोह दस मोली, रावण मोह का प्रति मोह कितना कठिन है, देखिए ये सबको बस में कर लेता है मोह,
ब्राह्मण देवता कहते देवी ये मोह ऐसे खत्म नहीं होता। वही भरत जी जानते मृगा के मोह में पड़ करके अगले जन्म में मृगा हो गए मर के, अगले जन्म में वही मृगा की याद में मरे, मोह में मरे भरत जी महाराज और मर करके मृगा ही हो गए। लेकिन संस्कार था भजन का, वो मृगा भी मर करके फिर अगला जन्म में फिर मनुष्य बनता है। आंग्रस ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, आंग्रस गोत ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ, अब वही फिर उन्हीं का नाम जड़ भगत पड़ा। तो देखिए मोह कहां से कहां पहुंचा दिया, कितने बड़े राजा महाराजा थे और कितने समर्थ समृद्ध थे, लेकिन मोह मृगा बना दिया, मतलब पशु बना दिया, जानवर बना दिया। ये मोह कितना खतरनाक होता है, मोह सकल व्याधि कर मिला। अगर मोह से बचना है तो बस एक ही उपाय है, अंतः प्रकाश का दर्शन कीजिए। अंतर में है प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, बाहर में खूब प्रकाश कीजिए, न तो दरिद्री भागेगी और न तो मोह भागेगा। मोह ही तो दरिद्र है, मोह दरिद्र निकल नहीं आवा, लोग बात नहीं ताई भी दवा किसको। राम भगत चिंतामणि सुंदर बसे गरी जाके निरंतर, पूरी प्रकाश रहे तो का ये प्रकाश हो जाता है। यही प्रकाश जब होता है तो कर्मसुंडी जी कहते हैं मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई भी दवा, ये लोभ खत्म हो जाएगा, दरिद्री खत्म हो जाएगी। वही ब्राह्मण देवता कहते हृदय आकाश से सिद्धादित्य चैतन्य रूपी सूर्य उग गया, कदीर कमल प्रकाशिया, कमल मतलब आज्ञा कमल, कमल मतलब आज्ञा चक्र दशम द्वार। अभी हमारा दसवां द्वार बंद है, ये दशम द्वार किसका खुलता है, ये जब दशम द्वार उसका खुलता है जो बहुत चिंताव कर लेते हैं। दशम द्वार जिसका खुल जाता है उसका अंधकार खत्म हो जाता है, मृत्यु का फंदा खत्म हो जाता है, जन्म का फंदा खत्म, जन्म का डर खत्म, मोह खत्म, काम क्रोध सब खत्म हो जाता है। लेकिन इसके लिए पहले हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं गुरु जात मानस ध्यान मानस कीजिए निषाद कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। अब फिर घटतम प्रकाश में शब्द पद त्रय जीव पर है छारे है, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना, दृष्टियों की साधना कीजिएगा प्रकाश हो जाएगा। वही प्रकाश अपने भीतर का जो प्रकाश है वो चैतन्य का प्रकाश है, वो चैतन्यमय प्रकाश है, उसी प्रकाश के दर्शन से मोह निर्मूल हो जाता है। ब्राह्मण देवता कहते देवी मैंने अपने भीतर में यही प्रकाश पाया, ये भीतर का प्रकाश हो, भीतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या, अंतर्नाद का उपास ना तो दीगर उपास क्या, यही साधना कीजिए। देखिए अगर हम अगर हमारी दिशा सही रहेगी ना तो हम धीरे धीरे लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए हमको जाना है कलकत्ता और दिल्ली के ट्रेन हम पकड़ लेंगे तो कभी कलकत्ता पहुंचेंगे, कभी चाहे कोई भी यान हो कोई सवारी वाहन हो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। और अगर हम कलकत्ता जा रहे हैं या कलकत्ता के रास्ते पर चढ़ गए ट्रेन में तो भले ही धीरे धीरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक महीना के बाद पर हम पहुंचेंगे निश्चित। इसीलिए कहते हैं धीरे धीरे पर लगातार सही दिशा में चलिए तो सफलता मिलेगी। श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ हम लोग साधन भजन करते हैं, हमारी दिशा सही है हाँ, लेकिन बस थोड़ी लगन होना चाहिए, थोड़ी श्रद्धा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, करते रहिए। तो इसीलिए साधन भजन कीजिए, संत मत का ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान है ना, अनुभव होगा जो करेंगे ठीक है। ये लगन सौदा है, समय लगाकर साधना कीजिएगा ना, सदाचार में रहकर कुछ न कुछ अनुभव आपको जरूर होगा, जरूर होगा। इसीलिए एकदम एक मुस्तैद होकर के साधना में लगे रहिए। इसलिए एक बिंदुता की प्राप्ति तेजो बिंदु परम ध्यानम विस्मात भूमि संस्थितम, बिंदु ध्यान गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिल के बीच छिपाना है,
बता रहे हैं ध्यान कहाँ लगाना है, बिंदु का ध्यान करना है कहाँ करना है, वो निशान कहाँ है, आपके अंदर में है, आपके अंदर में वो निशान है जहां ध्यान लगाना है। कैसे लगाओगे, यही तो गुरु गम बात है ना, यही ना गुरु युक्ति है। गुरु युक्ति से जब तक नहीं ताकोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, दिन दया संतन की नहीं जानना, इस राह को हुआ नहीं होता नहीं वह हो नारा है नहीं। यमराज से नचिकेता ने कहा मोक्ष का द्वार बताइए, तो कहा मोक्ष मार्ग जानना चाहते हो, तो तन विधि प्रणिपाते ने पर क्या कहा, उत्तिष्ठता जागृत प्राप्त वरान्य बोधता चुनस्वधारणसिता दुर्गत्या दुर्गम पथत्कृत कवियो वदन्ति। हे नचिकेता, मैंने सुना है महापुरुषों के मुंह से कि परमात्मा की ओर जाने के लिए जो मोक्ष का द्वार है बहुत सूक्ष्म है, तलवार की धार से भी ज्यादा तीक्ष्ण और बाल के नोक से भी ज्यादा सूक्ष्म है। बाल नोक से नहीं दल में ही पथ पावे संत जन ताम्र धस धावे, बाल की नोक से ज्यादा सूक्ष्म और तलवार की धार से ज्यादा तीक्ष्ण है वो रास्ता जो मनुष्य की शरीर में है, लेकिन वो कहाँ है और उसमें कैसे प्रवृत्त किया जाता है ये हम नहीं जानते हैं, ये आपको बताएंगे कोई महापुरुष। इसलिए जाइए किसी संत के शरण में, श्रेष्ठ पुरुष संत के शरण में। यमराज को अगर ये भी द्वार पता रहता ना दसवां द्वार मोक्ष का द्वार, तो मोक्ष होता ही नहीं किसी को, वहां भी पकड़ लेता जाके भागने नहीं देता आपको। लेकिन नौ द्वार उसको पता है यमराज को, जो अंधकार के अंदर है मलिन है, ये नौ मलिन द्वारों में रहोगे, दुख में रहोगे, यम पास में रहोगे, क्योंकि तन नौ द्वार हो रामा तू ही मलिन हो ठामा, त्यागी चरो दसम द्वारे सुख पाओ रे भाई। सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी, ये खिड़की है जो सुख सिंधु की ओर जाता है, समुद्र सुख के सागर की ओर जो जाता है। लेकिन अस्थूल धार खिन्न हो से खिन्न हो, अस्थूल धार उसमें प्रवेश नहीं करेगा। इसको मनसा चेतन धार सुरत ही पैस सके जाने, उसमें मन के साथ प्रारंभ में मन और सुरत एक साथ चलेगा, क्योंकि मन में दूध में घी की तरह सुरत समाया हुआ है, तो प्रारंभ में मन चलेगा। लेकिन मन रावत हो रहा कैसे आल समाए, विषय मुखी मन हाथी की तरह है, रास्ता एकदम बाल लोक से नहीं है कैसे घुसेगा। तो मन महीन कर लीजिए, जब भी आवे हाथ मन को महीन बनाना होगा। महीन बनाने के लिए पहले मानस जप और मानस ध्यान है, मानस जप मानस ध्यान करके मन को महीन करते हैं, सात्विक करते हैं, तर दृष्टि योग की क्रिया करने करके एक बिंदुता की प्राप्ति होती है, पूर्ण संताप होता है, दसवें द्वार में प्रविष्ट हो जाते हैं। संत लोग कहते हैं जान लो, एक महापुरुष हुए जय कृष्णमूर्ति, जय कृष्णमूर्ति कहा करते थे द पाथ दट लीड्स टू सॉल्वेशन इज नॉट मेड ऑफ एनी मेटेरियल थिंग्स, वह रास्ता जो ईश्वर तक मोक्ष तक जो जाता है वो किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ नहीं है। पंच भौतिक का रोज हम लोग नाम सुन रहे जल पाव गगन समीरा, या तो रास्ता धरती पर है या पानी में है या आकाश में, तीन मार्ग है, आकाश मार्ग वायुयान है, धरती पर सड़क, पानी में जहाज, और इन रास्तों से परमात्मा का तक नहीं जा सकते, वो अभौतिक रास्ता है, क्योंकि परमात्मा अभौतिक है, बिन पावन की देह, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है कहे कबीर संदेश, वहां पांव से भी चल के नहीं जा सकता कोई, परमात्मा अभौतिक तो रास्ता भी अभौतिक।
अभौतिक मार्ग है, कैसे चलोगे? पांव से तो चलना ही नहीं है उसमें। अब वो अभौतिक तत्व क्या है जिससे वो मोक्ष का मार्ग बना है? गुरु महाराज कहे जय कृष्णामूर्ति ने पूरा नहीं खोला, लेकिन हम खोल के बता रहे हैं, सुनो। वो अभौतिक पदार्थ ये है, बिंदु राह नाद का राह बना यह धरा जाए दिल से, ये धर जतन करो दिल से, का वो अंतर ज्योति अंतर नाद रूपी अभौतिक तत्व का बना हुआ रास्ता है, जिस रास्ता में प्रवेश करने के लिए धरा जाए तिल से। रास्ता कहां से शुरू होगा? तिल से। तिल मतलब 14 जनवरी जो संक्रांत के दिन जो खाए थे वही है। तिल मतलब क्या होता है? वो तिल नहीं, तिल यहां उपमा है। तिल छोटा होता है ना बिंदु की तरह, तो यहां उपमा है धरा जाए तिल से। तिल मतलब बिंदु, बिंदु रास निखल बहादुर तम मंडल टपना होगा। तिल तैसी तार हो विजात चरम परम बिंदु, बिंदु से उसमें प्रवेश किया जाता, तब प्रकाश मंडल और शब्द मंडल होते हुए नहीं शब्द में आप पहुंच जाते हैं। इस बिंदु के प्राप्ति होती है ध्यान लगाने की विधि से। ध्यान करो, स्या सफेद तिलो बिच तारा अधिगत अलख रवि है, मुर्शद नैनो बीच नदी है, नैनो आगे देखिए तेज बिंदु जगदीश, बाहर भीतर रमी रहा तह दंगा कोशिश, आठ पहर निर्खद रहो सम्मुख सदा हजूर, कह यारी घर ही मिले काहे जाते दूर, कहां दूर जा रहे हो? घर में मिलेगा, घर में घर दिखाई दे, फिर सदगुरु तरक सुधार, पंच शब्द धुन कांड धुन तह बाजे शब्द निशान। चरम परम बिंदु, बिंदु की प्राप्ति होगी, बिंदु में नाद का मेला उलट के खेल है खेला। पलटू साहब कहते जाओ बहिर्मुख से अंतर्मुख हो, अंतर्मुखता के लिए मन का इतना चिंताव हो कि एक बिंदुता पर चला जाए तो पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाओगे, और जैसे पिंड से ब्रह्मांड की ओर हो जाओगे नाद प्राप्त हो जाएगा। चरम परम बिंदु होता नाद बिंदु से, तब फिर जमाया पानी गगन में आवाज होता झीमी, सुनता है कोई गुरु ज्ञानी कैसे देखोगे बिंदु, तो कहा कि पहले बिंदु मिलेगा तब नाद होगा, आसिद बिंदु ततो नादो नादात शक्ति समुद भव, नाद रूपा महेशा निषिद रूपा परमा कला, आसिद बिंदु ततो नादो नवान शक्ति समुद भव, पहले बिंदु तब नाद, नाद की प्राप्ति होते ही परमात्मा शक्ति आप में आ जाएगी। कौन सी नाद? आदि नाद, अंतिम में जो नाद प्रकरण में आएगा, कहां पर? चेतन मंडल में जाकर महाकाल के केंद्र पर बजती है पांच नौबत सुनी एक एक को, प्रति एक पे चली जाए के निज नाह खोजना, अंतिम बजे गुरु घर से जहां आप विराजे गुरु की कृपा से मिले तहां पहुंच खोजना। वो नाद मिला सेवक से स्वामी हो गया, सुने जो हद नाद जी ब्रह्म हो जाता है, पावे अपने याद अपना आदि घर पाकर कर लोगे जहां से संसार में आए हो, और जीव जीव नहीं रहेगा स्वयं ब्रह्म हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञाने आप परमेश्वर स्वयं परमेश्वर हो जाएगा, शक्ति ईश्वरीय शक्ति आप में आ जाएगी। ये महिमा है शब्द की, उस शब्द की। लेकिन पहले बिंदु, उसके लिए क्या करोगे? फिर जमाया पानी, पानी तरल होता है ना, पानी उसमें तरंगे उठती है, उठती है कि नहीं उठती है? पानी में हल्का सा कंकर मार दो तरंगित हो जाएगा, हल्की हवा चली तरंगी उठने लगेगी पानी में। अब बर्फ में तरंग होता है, तरंग होता है बर्फ में, बर्फ किसे बनता है? पानी से। पानी को क्या करते हैं? जमाते हैं, एक टेम्परेचर ले जाते हैं 0 डिग्री तक, जहां जाकर के पानी बर्फ हो जाता है। 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी जम जाता है,
है ना। फिर पानी में कोई तरंग होगा जब 0 डिग्री पर होगा तो आपका मन जब 0 डिग्री हो जाए, 0 मतलब क्या, शून्य गत ध्यानम शून्यगतम मन, शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्म स्थाना। जब आपका मन शून्यगत हो गया, मन में कोई चिंतन नहीं, आराम से बैठ गया सहज एकदम सीधा होकर के बैठिए, ढीला मत रहिए। खाते समय थोड़ा अपने पर कंट्रोल रखिए, कंट्रोल रखिए भोजन में। हम रात में कभी कभी नहीं खाते क्या, कमजोर हो जाते हैं अपनों से, कमजोर है हम रात में नहीं खाते, दे देता है खाने, लेकिन हम खाने की इच्छा नहीं रखते, खाने से मजबूत नहीं होता, खा के मर जाता है लोग। खूब खाओ तो हो सकता है खाते खाते प्राण छूट जाए, लेकिन भूखे आदमी 10-20 दिन बच जाता है। इसी खान पान को पवित्र, पवित्र भोजन ईमानदारी की कमाई का भोजन हो, अभक्ष पदार्थ न मिला हो भोजन में, सात्विक हो, कम मसाले वाला हो, भूख राखी भोजन करो। खाते ही हो रात में तो 7 बजे तक खा लो, 7:30-8 बजे तक खा लो, आधा पेट खाओ रात में, थोड़ा दूध पी लो, कमजोरी का डर लग रहा है तो पचेगा, टाइम मिलेगा तो फिर ध्यान पर मन लगेगा, बैठने में आराम रहेगा, आलस नहीं रहेगा। फिर अन्न पच गया तो आलस गया, बैठोगे परम ब्रह्म में एकदम आराम से ध्यान करने में आनंद आएगा। एक लड़के को हमने कहा कि अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान करो ना, आनंद आएगा। कहा बाबा आप ब्रह्म मुहूर्त में सो करके देखिए, बड़ा मजा आएगा ब्रह्म मुहूर्त में, नींद भी बड़ा आनंद आता है। हम बोले जब तमोगुण सवार रहेगा ना तो नींद अच्छा आएगा, नींद में मजा आएगा, और जब सतोगुणी हो जाओगे तो ध्यान में आनंद। तो मजा जो है ना बड़ा खतरनाक चीज है, बाद में बहुत बड़ी सजा देता है, लेकिन आनंद जो है आनंद आनंद भजन में होता आनंद आनंद, उसमें कोई सजा नहीं, और आनंद बढ़ते जाता है। आनंद आनंद बढ़े प्रति खान, दस इंद्रिय था के सुनते बंधन, ऋतु जय परा जय सकल आनंदमय, जाके जीवन है जीवन था के नाम। जब करते का ध्यान रखिए, चलते फिरते तब ध्यान में जब लगेगा, फिर ध्यान अच्छी तरह से इष्ट मानस रूप में ध्यान किया, और एकदम आसन को कोई हिल डोल मत कीजिए, सहज बैठिए, टाइट नहीं और ढीला भी नहीं, आसन आराम से, दृष्टि सामने, और एकदम मन में कोई ख्याल आए हटाइए, मानस रूप के बाद, मानस ध्यान के बाद सामने फिर दृष्टि को रखिए और देखते रहिए सामने, मन में कोई ख्याल आए हटाते जाइए, और दो नैना भी सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो एक, सहज रूप से देखते रहिए, मन में कोई ख्याल आए हटाते जाइए। जैसे जैसे बंद कर पलकों को वो कर पर मन की छटपट, अंदर और मध्य सन्मुख बिंदु जल के लक्ष्य तह से पंथ रहे, वहां से रास्ता दिखेगा, अंत प्रकाश हो जाएगा, दोनों दृष्टि की धारा आपस में सटेगी, प्रकाश हो जाएगा। जब दृष्टि ठीक ठीक बिंदु को पकड़ लेगी तो ब्रह्मांड में गमन हो जाएगा, तुम टिको सामने प्रेम नियम कर, अधर डगल धर लो बिंदु पर, थोड़ा क्षण के लिए भी स्थिरता हो गई दृष्टि की तो अंतराकाश में उड़ जाओगे आप, ब्रह्मांड में चले जाइएगा आप, उर्ध्व गति हो जाएगी आपकी, और तब नाद ध्यान की विधि जान करके बिंदु नाद साधना शुरू कीजिए, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, दिव्य लोक दिखने लगेगा, देवी शक्ति आ जाएगी, सारी रुद्धि सिद्धि आ जाएगी, ताकत आ जाएगी आप, और फिर नाद की साधना करोगे, चुंबक सत शब्द है भाई, चुंबक की आकर्षण में खींचते जाओगे, बड़ा सहज सरल साधन है। तुझपाद दल बहादुर बाबा तो आप लोग जानते ही होंगे, उनसे एक आदमी मनिहारी में कहा गुरु महाराज लिखे बिंदु ध्यान विधि, ना ध्यान विधि सरल सरल जन में प्रचार, बड़ा सरल बताए हैं गुरु महाराज, ध्यान करते हैं महाराज, कहां आज तक हुआ हमको बिंदु तो मिला ही नहीं, और आप लोग कहते हैं कि सरल सरल, गुरु महाराज भी लिख दिए हैं। तो तुझ बाबा बोले
कि बिंदु ध्यान तो सरल सरल है ही, लेकिन तुम लोग जो टेढ़ा टेढ़ा हो इसीलिए नहीं होता है। तुम लोग भी तो सीधा हो जाओ, सरल हो जाओ। सरल मतलब सीधा, निष्कपट, कोई छल कपट नहीं, विशुद्ध हृदय का यही है सात्विक हो जाना। इसका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। हृदय जब तुम्हारा एकदम सत्वगुणी हो जाएगा तो दो आदमी तजी जो जगदा रजगुण तमगुण त्यागे सदगुरु मार्ग उलट में देखे तब सोबत उठ जागे। दरनीदास जी कहे रजोगुण तमोगुण छोड़ो, इसके लिए मानस जब मानस ध्यान दृढ़ता से करो और तब बिंदु ध्यान करोगे तो अंतर्मुखता आ जाएगी और अंधकार से प्रकाश में चले जाओगे, जाग जाओगे, मोह की रात्रि से ऊपर भी आओगे और अंधकार से ऊपर मोह से ऊपर बा प्रकाश मिटल दिया। सुख बैल बहुते गुरु कृपा की कीमत ना ही मिटल चौरासी फिर। इसलिए संत लोगों ने कहा ऐ तकी तक तेल हो खूब देखो, एकदम सीख करके ठीक ठीक ध्यान कीजिए। जो ठीक ठीक करेंगे अपने आप को उस योग्य बनाइए। योग्यता यही है कि बस विषय की आशा नहीं हो, छोड़ अपना कि हमसे कोई चूक ना हो। पाप बाकी दुनिया बिना चूक के अगर बोलती है ना तो बोलने दीजिए, क्योंकि दुनिया की आदत है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वो कुछ भी कहेंगे आप, क्योंकि जिसको निंदा करने की आदत है वो करेगा, तो आप उसकी परवाह मत करो, ठीक है। अपनी और निहार तुझे क्या पड़ी परारी, आप देखिए कि हम गलती नहीं कर रहे, फिर कहता तो करने दो, कर रहे तो सुधार करो, तो देखो उधार होता है कि नहीं। बस पलटू साहब कहते हैं चोर चमार चंडाल कहे, कोई कहे हरि भक्त है भाई, कोई कहे हुए तो नारी लुभानो, कोई कहे माया रति आई, निंद कर तस निंद कराई, स्तुति को न मनावन जाई, जो हम है हरि जानत है, हम रेर दिवस उनके गुण गाए, हम जो है वो ईश्वर जानते हैं। लोग कहते हैं कहने दो, अगर सही कहते हैं तो सुधार करो, नहीं कहते तो छोड़ो, गुरु महाराज पर छोड़ो। जब ध्यान करते रहो उनकी कृपा होगी, कहां से कहां पहुंच जाओगे। निंदक जो है उसको जहां पहुंचना वो पहुंच जाएंगे, है ना। तो इसीलिए ध्यान कीजिए बैठ करके खूब आराम से, इससे कल्याण होगा। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।